बॉलीवुड इंडस्ट्री के दबंग खान यानी सलमान खान, जिनको जितना उनके अच्छे स्वभाव के लिए जाना जाता है, वहीं ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने गुस्से के लिए भी काफी मशहूर हैं। और बॉलीवुड में मौजूद हर सितारे का मानना है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सलमान खान के गुस्से का कभी शिकार नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि गुस्से में सलमान खान ना आओ देखते हैं ना ताओ, बस सामने वाले की ऐसी की तैसी कर देते हैं, और कई बार तो ये गुस्से में सामने वाले को थप्पड़ भी मार देते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन सितारों से आपको रूबरू कराएंगे जिनको सलमान खान ने थप्पड़ मारा है, पर उन्हीं सितारों में से एक सितारे ने इनके इस थप्पड़ का जवाब भी दे दिया। चलिए जानते हैं कैसा जवाब दिया और कौन है ये बॉलीवुड सितारे। ऐश्वर्या राय। बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर ब्यूटीफुल एक्ट्रेस और मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या राय और सलमान खान का अफेयर किसी से छुपा नहीं है। इन दोनों के रिश्ते के बारे में हर कोई जानता है, हालांकि इन दोनों का रिलेशनशिप भी ज्यादा नहीं चल सका। सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या ने आरोप लगाया था कि दबंग खान ने नशे की हालत में कई बार उन पर हाथ उठाया। इस बात का खुलासा उन्होंने एक प्रेस रिलीज करके किया था। कैटरीना कैफ। आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान ही कैटरीना कैफ को लेकर आए थे, जिसके बाद से दोनों के बीच अफेयर हो गया और इनकी भी लव लाइफ में थप्पड़बाजी तो शुरू हो गई। जी हाँ, खबरों के मुताबिक साल 2008 में सलमान खान कैटरीना के साथ एक कैफे में बैठे हुए थे। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और दबंग खान अपने गुस्से पर काबू ना करते हुए सबके सामने ही कैट को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। यहां तक कि सलमान का गुस्सा ही उनकी और कैटरीना के ब्रेकअप की वजह बना। शाहरुख खान। एक समय में काफी अच्छे दोस्त माने जाने वाले सलमान और शाहरुख खान की दोस्ती में उस वक्त दरार पड़ गई जब साल 2008 में कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में सलमान खान से शाहरुख ने एक मजाक कर दिया, जिसके बाद सल्लू भाई का तो भाई अपने गुस्से पर काबू ही नहीं रहा और उन्होंने किंग खान को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद में दोनों में जमकर लड़ाई हुई और ये दुश्मनी काफी लंबे समय तक चली। हालांकि कुछ सालों बाद सलमान ने शाहरुख की तरफ एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ये दोनों आज एक बार फिर से अच्छे दोस्त की तरह साथ में। सुभाष घई। सन 1997 में ताल फिल्म की शूटिंग के दौरान सुभाष घई की इस फिल्म में ऐश्वर्या राय लीड रोल में थी। तब सलमान खान ने किसी बात पर गुस्से में सुभाष घई को थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसके बाद में सलमान खान के पिता सलीम खान ने अपने बेटे की गलती के लिए माफी मांगी और इस घटना के बाद सलमान खान ने सुभाष घई के साथ युवराज फिल्म की। सनी देओल। अपने 2.5 किलो के हाथ के लिए मशहूर अभिनेता सनी देओल को भला कौन नहीं जानता होगा, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। अरे भाई, गदर कैसे कोई भूल सकता है सनी देओल की। लेकिन सनी देओल का भी एक बार सलमान खान के साथ पंगा हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि सन 1996 की बात है, जिस समय जीत फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक ने जब फिल्म की स्क्रिप्ट सनी देओल को सुनाई तो उन्होंने फिल्म के लिए तुरंत हाँ कह दिया। वहीं जब सलमान खान के पास जीत फिल्म की स्क्रिप्ट गई तो उन्होंने फिल्म को करने के लिए हाँ तो कहा, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर सनी देओल को इस फिल्म में कास्ट किया जाएगा तो वो काम नहीं करेंगे, उन्हें इस फिल्म से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉलीवुड के किसी छोटे एक्टर के साथ में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उस समय सलमान खान का सिक्का बॉलीवुड में जमकर चल रहा था। वहीं सनी देओल थोड़ा ठंडे पड़े हुए थे। जब उन्हें सलमान खान की इस बात के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद जीत फिल्म की सक्सेस पार्टी में सलमान खान और सनी देओल आपस में भिड़ गए। यहां तक कि लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सलमान खान सनी देओल को थप्पड़ तक मारने वाले थे, लेकिन बाकी लोगों ने इन दोनों को अलग कर दिया। तब से ही दोनों के बीच में कट्टर दुश्मनी चलती है भाई। रणवीर कपूर। ये बात किसी से नहीं छुपी है कि रणवीर कपूर और सलमान खान के बीच में 36 का आंकड़ा है। वहीं कई लोगों को लगता है कि इन दोनों के बीच लड़ाई की वजह कैटरीना कैफ है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। रणवीर और सलमान के बीच उस समय तकरार शुरू हुई जब वो बॉलीवुड में डेब्यू भी नहीं कर पाए थे और एक पार्टी के दौरान सलमान खान ने उन पर थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन जब सलमान खान के पिता सलीम खान को इस घटना के बारे में पता चला तब उन्होंने सलमान खान को समझाया तो उन्होंने माफी मांगी। हालांकि जब कैटरीना से रणवीर का रिलेशनशिप शुरू हुआ तब इन दोनों की दुश्मनी और बढ़ गई, यानी कि आग में घी डल गया। जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम और सलमान खान के बीच कैटरीना कैफ को लेकर झगड़ा हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये फंक्शन के दौरान सलमान खान ने कैटरीना कैफ के मोबाइल को चेक किया, जिसके बाद उसके फोन में जॉन अब्राहम का नंबर मिला। बस इस कारण उन्होंने जॉन अब्राहम के ऊपर हाथ उठा दिया और सलमान खान की इस हरकत के बाद जॉन अब्राहम भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्हें भी गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने आओ देखा न ताओ और पलट कर सलमान खान को भी थप्पड़ जड़ दिया।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर सलमान खान सनी देओल को थप्पड़ मार दे तो क्या सनी पाजी इसका जवाब देते या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ऐसे ही वीडियोस पहुंचते रहें सबसे पहले।